हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो। तो देख ही सकते हो, लास्ट जो वाला वीडियो था जाने का टाइम का, वो बहुत पहले पोस्ट हो गया। ये वीडियो अभी तक पोस्ट नहीं हुआ, आज ही हो रहा है। लेकिन आज मतलब कौन सा आज, वो हमको भी मालूम नहीं है सच में, क्योंकि वॉइस ओवर देने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो गाइज, जैसा मैं बोली थी, जो आने का टाइम बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, लेकिन जाने का टाइम उतना ही खराब लगता है, उतना ही दुख होता है, दर्द होता है, जो भी बोल सकते हो। क्योंकि आने का टाइम को सबको सबके साथ मिलेंगे रहेंगे, लेकिन जाने का टाइम पे, काम की शरण में जाने के टाइम पे, वो सबको छोड़ के जाओ, दोनों मिलके जो भी होता है दोनों के साथ ही होता है। तो देखिए, इधर का जो लाइन है इतना ज़्यादा, मतलब कौन सा लाइन से किधर से लेके जाएंगे, हमको तो देख के कंफ्यूज लगता है। वो लोग कैसे सब चलाता कुछ है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग के ऊपर होता है, उसमें कोई बात नहीं, करते करते सबको आता है, लेकिन हम लोगों को नहीं आएगा। तो बात करते करते देखिए, हम लोग दमदम स्टेशन में ऑलमोस्ट आ गए। इधर आके फर्स्ट हम लोग खाए थे दो पराठा और उसके साथ सब्जी, इतना टेस्टी। और ये दमदम रेलवे स्टेशन के ऊपर के ही स्टॉल से खाया था, एंड रेलवे के साइड से हम लोग जा रहे हैं नीचे, क्योंकि हमको एयरपोर्ट के लिए उबेर बुक करना है। थोड़ा तो साइड में जाके उबेर बुक करूँगी। इसके नीचे देखिए कितना लोग रहता भी है, मतलब देख के कैसा लगता है ना। तो देखिए साइड में आ गया, बहुत गर्मी था गाइस, क्या बताओ, इतना गर्मी था। मेरा हस्बैंड का तो ऑलमोस्ट उसका हो ही गया, मेरा फेस भी देख सकते हो। इस टाइम को गया था थोड़ा स्नैक्स वगैरह लेकर आने के लिए, क्योंकि एयरपोर्ट में इतना प्राइस है, जिसको 50 है उसका भी 100, इस टाइप का है। OMG, जो भी हो लेके आया, और हम लोग उबेर भी बुक कर दिया, 2 मिनट में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग भी एयरपोर्ट में पहुंच जाएंगे। और हमारा जो फ्लाइट था वो था इंडिगो, और टाइम था 10:15 ऐसा कुछ ही रहेगा, मुझे अभी याद नहीं है कितना या मतलब कौन सा टाइम का फ्लाइट था। तो देखिए बात करते करते थोड़ा शाम भी हो गया, और एयरपोर्ट के जो रोड से फंस जा रहे थे वो थोड़ा काम चल रहा है इसलिए ऑफ था। तो दूसरे साइड से फिर से जाने के लिए पड़ा था, और थोड़ा लेट भी हो गया। और इस टाइम को मेरा हस्बैंड का जस्ट एक बार फेस देखो, इतना उसका हेल्थ इशू हो गया, क्या पता हो। उसको वीडियो में ले रही थी, बोल रही क्या वीडियो वीडियो, मेरा हेल्थ अच्छा नहीं जा रहा है, तुमको वीडियो लेने का पड़ा है, ऐसा बोला। मुझे तो गुस्सा आ गया, लेकिन क्या कर सकती हूँ, बोलिए हेल्थ भी तो जरूरी है ना। तो ये देखिए उसका फेस पूरा गया, वो गुस्सा हो गया मेरा वीडियो करने से। तो जो भी हो, ऐसे आ गए, पहुंच गए। हमारा फ्लाइट था टर्मिनल 2, आई थिंक 2 में था हाँ। और उधर जाके जो जो काम रहता है सब कुछ करने के बाद, फर्स्ट किया था हम लोग जो चेकिंग रहता है, चेकिंग कर लिया। और हमारा एयरपोर्ट को थोड़ा दूर से देखिए कितना सुंदर लगता है, और बेंगलोर का टर्मिनल 2 एयरपोर्ट जो है ना, इतना सुंदर है, वो चुम्बेश्वरी है, इतना मतलब सुंदर है। तो इधर आके चेकिंग वेकिंग करा के सब कुछ कर लिया, और टिकट भी ले लिया। बोल रहा था देखिए ऐसे ऐसे करना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं कभी भी जाऊँगी तो मुझे भी करना है, उसी का ही ट्रेनिंग दे रहा था। ये देखिए हमारा रविंद्र जी, और इधर से लिफ्ट से जा रहे थे। हमारा गेट नंबर था 102 और 103 ऐसा कुछ था, तो नीचे जाके अभी याद आ जाएगा, क्योंकि उसका भी मैं फुटेज दिया था। 102 का गेट पास था, 102 गेट पास मतलब गेट नंबर था। तो उधर जाके वेट कर रहे हैं, इधर आके थोड़ा फ्रेश भी हो गया, और फ्लाइट का टाइम हो गया। देखिए और बहुत लोग, मतलब इतना बड़ा लाइन होता है क्या, तो मतलब स्कूल में मिड डे भी लेते थे ना, एक के बाद ए आओ आओ इस टाइप का फीलिंग्स हो रहा था। तो इधर से नेक्स्ट बस में आके एयरपोर्ट में आ गया। तो सब कुछ तो ठीक है गाइस, लेकिन सब कुछ छोड़ के रख के आके इधर काम करना बहुत ही टफ है। तो हमारे सामने एक लेडी था, उसके लिए मैं अच्छे से वीडियो भी नहीं ले सकता था, मतलब एक बार इस साइड उस साइड ऐसा करते करते मैं छोड़ दिया, अंदर आके बैठा। और आने का टाइम और एक काइनी हो गया, दोनों का ही विंडो सीट हो गया था आगे पीछे, और मेरे साइड में मेरे हस्बैंड के बिना चलते ही नहीं इस टाइप का हुआ। और वो पास में जो भैया था, भैया ही बोल सकते हो, बोला जो आपको आपका हस्बैंड को सीट चाहिए तो मैं उस सीट में जाती हूँ। मैं बोला हाँ हाँ भैया, थैंक यू बोल के मेरे पास में वो आ गया। और फ्लाइट में काम किया, सिर्फ सोना, मैं सोते सोते पहुँच गया बेंगलोर में। बेंगलोर से जो उबेर बुक किया था उधर से भी सोते सोते आ गया मेरा रूम के सामने। और ऊपर से देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मतलब वो टूनी लाइट बोलता है ना, हमारा बेंगली में ऐसा ही बोलता है, टूनी लाइट वैसा लगता है, मतलब दिवाली का टाइम का जो होता है। और इधर आके फर्स्ट लेना पड़ता है लगेज, लगेज के लिए वेट कर रहे थे। इधर देखिए लगेज के पास में कितना सारा पेड़ है, देख के अच्छे लगते हैं, मतलब एक फीलिंग आता है। इसके बाद आता है बाहर जाने का, मतलब उबेर बुक करेंगे
तो ऑलमोस्ट देख के बाहर आ गया। मेरा हस्बैंड तो बहुत खुशी है, उसको नींद भी नहीं करता है, उसको ऐसे भी एक दिन नींद भी नहीं लेगा, कुछ नहीं होगा, थोड़ा डॉक्टर भी पड़ेगा बस, उसके बाद ठीक हो जाएगा। तो उस साइड को जाना है। और बेंगलोर एयरपोर्ट कौन कौन आया है मेरे फ्रेंड्स के अंदर तो कमेंट में जरूर बताना। इधर लिखा है पिकअप जोन, मतलब इधर से बाहर बाहर जाके मतलब आपको जो वेयर जो भी लेना है ले सकते हैं, इतना ही हमको याद है। तो देख ही सकते हैं मेरा फेस, देख के मैं थोड़ा सा स्माइल कर रही हूँ क्योंकि मेरा फ्लाइट में मैं सिर्फ सोती हूँ, मेरे हस्बैंड को सोना नहीं होता है, तो उसका भी फेस बहुत अच्छा रहता है, सिर्फ थोड़ा डर सर्कल पड़ेगा इतना ही। तो बात करते करते देखिए ऊपर में उठ के हम लोग बाहर निकल गए एयरपोर्ट से बाहर जा रहे हैं। तो ऐसे करते करते मैं फिर से गाड़ी में सो जाऊँगी और सोते सोते मेरा घर के सामने भी आ जाऊँगी। देख ही सकते हो 2 मिनट में आ जाएंगे, बस कहानी ख़त्म। तो एयरपोर्ट के लास्ट टाइम के लिए बाय बाय कर देती हूँ क्योंकि फिर से कब जाऊँगी हमको भी मालूम नहीं। फिर से जब घर जाऊँगी तब उसके साथ फिर से हम लोगों को मुलाकात होगा, उसको प्यार लेने। देखिए बात करते कि मैं घर के रास्ते में पहुँच भी गए यार, आ भी गए, मेरे को तो आँखों में फिर से नींद है। आते आते ऑलमोस्ट 3 o'clock हो गया था नाइट का आते आते। इसके बाद और क्या, कुछ नहीं, घर के जाना है, रहना है, खाना है, सोना है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग था, मेरा घर का बहुत कम कुछ दिन नहीं था, तो सोच ही सकते उसको क्लीन करना, मेरा फेस देख के समझ आ रहा था मुझे बोरिंग लग रहा है, सब कुछ हमको करना है। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में छोटा सा बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना क्योंकि नए नए वीडियो के अपडेट के लिए। तो आज के लिए बाय बाय।